वेलकम टू आशीष ITI यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आशीष। इस वीडियो में जानेंगे CITS का कट ऑफ कितना जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। CITS संबंधी कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल खासकर CITS वालों के लिए बनाया गया है, तो सारा इन्फॉर्मेशन CITS का आशीष ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि CITS का जब इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, तो फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ कितना जाता है। OBC जनरल ST SC और ST PH OMIN सबका बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी है उनका कट ऑफ अगर आपका 65+ है तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में बढ़िया से बढ़िया NSTI कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको चेन्नई साइड चाहिए तो 60+ है तभी भी आपका कॉलेज मिल जाएगा, NSTI कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। जो बच्चे OBC हैं, OBC EWS वाले हैं, उनका 60+ और 55+ है तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। OBC और EWS वालों को 60+ है 55+ है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जो बच्चे SC और ST कैटेगरी के हैं, PH हैं, हैंडीकैप हैं, उनका 50+ है तो फर्स्ट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, NSTI कॉलेज। OMIN के लिए बता दें, अगर OMIN का गर्न का जो है 50+ है गर्न का तो उनको भी कहीं ना कहीं NSTI कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कानपुर, इलाहाबाद, हावड़ा, बेंगलुरु, ये सब कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो कहने का यही मतलब है, अगर आपको CITS में एडमिशन चाहिए फर्स्ट काउंसलिंग में तो 50+ आपको लाना होगा, 50+ नंबर आपको लाना होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा CITS संबंधी कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ये चैनल खासकर आप लोग के लिए बनाया गया है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए तो आप लोग को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।